अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये कि अभी जा रहा हूँ पेपर देने के लिए, और दूसरी बात अभी देख रहे हैं किताब हाथ में है, साथ में पेन वगैरह। पेपर देता हूँ और आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या सीन वगैरह चल रहा है। पिछली बार तो इंटरनेट वगैरह डेटा वगैरह ऑफ हो गया था, आपको पता ही है कि इमरान खान को उसमें कोर्ट से लेके गए थे ना, तो उसी वजह से इंटरनेट वगैरह 4 दिन के लिए, तकरीबन 3 दिन के लिए बंद कर दिया था इन्होंने। अभी पेपर वगैरह हमने दे दिया है और वापस आ रहे हैं, घर जा रहे हैं इधर से रास्ते में से। तो अभी रास्ते में भाई के साथ हादसा हुआ है, सुबह से हादसा हुआ है, आप खुद बता दें। यार एक हेडफोन भी मेरी चली गई है, उधर मैं रखी हुई थी, बहुत गर्मी भी थी, आपने खुद देखा हुआ है उधर, और मैंने उधर रखी है। मैं दूसरी सेट पे बैठ के मैं MCQs कर रहा था, तो उधर हेडफोन भी पड़ी हुई थी। मेरे सुबह आया हूँ तो वो मेरे सुबह के 500 रुपये भी मेरे गीजे से गिर गए, जेब से गिर गए थे, और मेरी हेडफोन भी गिरे। अभी वो कोई चोरी करके चला गया, स्लिप भी कोई चोरी करके चला गया। हाँ, बड़ी बात यह है कि स्लिप इनकी जो थी ना, ओरिजिनल थी, और उनके पास कॉपी नहीं है। कॉपी भी नहीं थी उसकी, कॉपी नहीं है इनके पास। यार ये मुसलमानों के काम चेक करो आप खुद, स्लिप उठा के लेके गए। अभी इसकी उनको किस काम की स्लिप, वैसे एंट्री नहीं देते स्लिप के बगैर। पहले हमारे यहाँ उधर चेकिंग वगैरह होती है, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, मतलब पंजाब के साइड, लेकिन फिर भी वहाँ पे कॉपी वगैरह से चल जाता है, फिर भी साइन वगैरह करते हैं कि चल जाता है। इसके बाद कॉपी वगैरह भी नहीं है। अभी एंट्री जो है ना, हमें बहुत मुश्किल करेगी, एंट्री हमें नहीं देंगे, वो बोलेंगे स्लिप लेकर आओ फिर एंट्री देंगे। अभी हमें स्लिप मेरी गुम हो गई है, तुम अभी क्या कर सकते हो। सही। और इनके ये अभी क्या कह रहे थे, सुबह का दिन आपका, आपका आज का दिन किस तरह का है आपका? मेरा, मैंने सुबह मेरे 500 गुम हो गए, मैंने मुसर को बोला भाई आज मेरा पूरा दिन जो है ना ख़राब जाएगा, और वही बात हुई है कि मेरे मोकल से निकले हुए अभी पेपर दे के, तो मेरी हेडफोन चली गई, स्लिप चली गई, और एक और बात के 2 पेने भी मेरी कोई लेके आए पेन। चीज़ें गुम हो जाती हैं, चीज़ें गुम होते हैं। यहाँ पर कोई सेफ्टी वगैरह नहीं है, पंखे भी नहीं थे, आपने खुद देखा इतनी गर्मी है ना, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। शदीद गर्मी थी, पसीना बह रहा था, मतलब पसीना नीचे गिर रहा था, मैं पेपर पे लिख रहा था, वो उस पसीने से बस लिखता जा रहा था, पूरा पेपर है ना गीला हो गया था। हाँ। पेपर ही गीला हो जाता है, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तपिश है। अभी जा रहे हैं, आपको खुद महसूस हो रहेगा धूप में, तो बाद में देखते जो भी होता है आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के दिन कॉलेज की तरफ से एक पार्टी अरेंज की गई है, या कोई दावत वगैरह वो है आज, इसलिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सारे के सारे टीचर्स वगैरह अभी अवेलेबल होंगे, मतलब प्रेजेंट होंगे। अभी जा रहे हैं अभी वैसे, और रास्ते में जैसे ही जा रहा हूँ ना, मैंने ये देखे ना, मतलब जो फैशन वाली पैंट है ना, वो आगे से फटी हुई होती है, घुटनों से या टखनों से जैसे कहते हैं, वो फटी हुई पैंट मैंने पहनी हुई है। हर कोई जिसे भी देखे ना, वो मेरी तरफ नज़र फेर रहा है, हर कोई यहाँ पे, मतलब सिंध के इलाके में। अभी भाई हंस रहे हैं कि देख रहे हैं कौन सा जुबा आया हुआ है, हर कोई मुझे देख रहा है। अब देखिए मेरी तरफ हर किसी की नज़र है, जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ रही है। अभी रास्ते में से जा रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला की 99 सामने आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ आंधी आ रही है और हवा चल रही है, बंद होगी थोड़ी देर के लिए, वरना अभी बारिश वगैरह भी हो रही है। तो आ गया था इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कॉलेज में आ गया था, और यहाँ पे मतलब छुट्टी काफ़ी टाइम बाद मिली है उसको, न्याज को, मेरे कज़न को जानते होंगे आप, मैं भी ये बैठा ये खड़ा हुआ देख सामने देख रहे तो अभी मौसम बड़ा ही प्यारा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी, महसूस हो रहा है, और मिट्टी ज़्यादा भी थी, काफ़ी ज़्यादा थी, और धुंध वगैरह भी, मतलब वो धूल वगैरह भी आ रही थी। तो अभी हम जाने वाले सर्विस कराने के लिए बाइक, इसको हम तो आ गए थे यहाँ पे सर्विस कराने के लिए। सामने आप देख रहे हैं ना हमारी भटारी किधर है, हमारी भटारी सामने, वो साफ हो रही है सामने देख रहे हैं, सामने से धूप पड़ रही है, और प्यारे भी लग रहे होंगे अभी कैमरे में ना, प्यारे लग रहे ना। हाँ लग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था अभी नहीं लाए थे। हेलो एंड वेलकम बैक विद अनदर डे। तो दूसरी बार तो मैं बना रहा हूँ, आपको एनर्जी वगैरह पता लग रही होगी कितनी हाई है। और दूसरी बात कि आज के इस व्लॉग में भाई शाकिर आएंगे, उनकी दावत वगैरह रखी है, ऐसे समझे ऐसे ही दावत रखी है, रात के टाइम तो व्लॉगिंग वगैरह तो अक्सर मैं नहीं करता, थोड़ी बहुत मैं कर लूँगा उधर उसमें टॉर्च वगैरह चला के। तो अभी आपको जैसे पता है कि पिछली बार
स्लिप वगैरह गुम गई थी मुसव्वर की, स्लिप पेन पैसे वगैरह। अभी पैसे तो उसके वापस नहीं आएंगे, कोई मानेगा भी नहीं, और स्लिप इंशाल्लाह देखते हैं कि मिल जाती है तो ज़रूर ठीक है, वरना उसके लिए स्लिप वगैरह नहीं निकलवानी पड़ेगी, फिर हेडमास्टर से साइन वगैरह और स्टैम्प वगैरह करना पड़ेगा। तो देखते हैं होता क्या है, फिर आपको दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, अभी मैंने व्लॉग एक मरतबा बनाई है तो वो डिलीट कर दिए मैंने। आप देखें सारे के सारे यहाँ के नमूने एक दूसरे को देखते रहते हैं, यही चीज़ ऑकवर्ड लगती है मुझे। और वहाँ पे इस्लामाबाद में इस तरह करते हैं तो अक्सर कम मिसरा देखते हैं कि इसको मिल गई हैं, क्या क्या चीज़ें मिली हैं भाई, जो वगैरह दिखाओ स्लिप इसको मिल गई है ना बाबा, ये भाई लेके गए थे। तो अभी घर जा रहे हैं उसी रास्ते से जा रहे हैं जो पिछले व्लॉग आपने देखा था। ना वन्या सही है, अल्लाह हाफिज़। स्लिप वगैरह मिल गया था मुसव्वर भाई को, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं देख रहे ना, बहुत खुश हैं कसम से। स्लिप भी मिल गई, हेडफोन भी मिल गई, पेन भी मिल गई। अच्छा अच्छा बंदा था जिसके पास थी ना। हाँ वो आपका डायलॉग काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया पता है। हाँ। सारे मुझे वो कमेंट कर रहे हैं। अच्छा गीदे वाला गीदे गीदे में थी नहीं ना, बस यार हम ना सिंधी है ना। हाँ। तो वो जबान एक्सेंट वगैरह मतलब वो चेंज हो जाता है ना। हाँ, एक्सेंट वगैरह सिंधी वाला निकलता है। हाँ, तो वही है थोड़ा सा बस इधर उधर हो जाती है ज़बान। हाँ सिंधी का अलग एक्सेंट होगा उर्दू बोलने का, और उर्दू बलोची का अलग होगा। हाँ, पठान का अलग होगा, हर किसी का अलग अलग होता है ऐसे ही। बस क्या करें गर्मी बहुत है यार, बस क्या करें, यही डायलॉग बस हमेशा बोलना है, गर्मी बहुत है, क्योंकि गर्मी है ही बहुत, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बहुत अच्छा मौसम था शाम के टाइम में, बहुत अच्छा था।